नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मंत्रालय ने लिया ऐतिहासिक फैसला, कुछ पेंशन भोगियों की पेंशन को 1 अप्रैल 2018 से कर दिया दोगुना। तो आइए देखते हैं विस्तार से इस खबर को इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, लोकसभा में 19 जुलाई 2018 को खिलाड़ियों की पेंशन के संदर्भ में श्रीमती संतोष अहलावत ने खेल मंत्री जी से पूछा कि वर्तमान में देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को पेंशन मिल रही है और क्या सरकार का खिलाड़ियों की पेंशन में संशोधन करने का विचार है, और यदि है तो उसके संबंध में क्या विवरण है, और क्या सरकार का राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को भी पेंशन प्रदान करने का विचार है, और यदि हाँ तो उसके संबंध में ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, क्यों नहीं। खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, जो कि सेना से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने बताया कि मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों जिन्होंने केवल इस स्कीम में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश के लिए पदक जीते हैं और जिन्होंने सक्रिय खेल कैरियर से संन्यास ले लिया है, उनको आजीवन पेंशन प्रदान की जाती है। वर्तमान में यानी कि एज ऑन टूडे इस स्कीम के अंतर्गत 588 खिलाड़ियों को पेंशन मिल रही है और इन खिलाड़ियों की जो पेंशन दर है वो 1 अप्रैल 2018 से संशोधित की गई है और अब तक यानी कि 31 मार्च 2018 तक जो मौजूदा पेंशन मिलती थी, अब इन सभी खिलाड़ियों को दोगुनी पेंशन मिलेगी 1 अप्रैल 2018 से। इस टेबल में देखिए दोस्तों, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं को 20,000 रुपये प्रथमा पेंशन मिलेगी और ओलंपिक और एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 16,000 रुपये प्रथमा पेंशन मिलेगी, जबकि ओलंपिक और एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप में रजत और कांस्य पदक विजेताओं को 14,000 रुपये का प्रावधान है और एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों, पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 14,000 रुपये प्रथमा तथा एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों, पैरा एशियाई खेलों में रजत और कांस्य पदक विजेताओं को 12,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से आजीवन पेंशन मिलेगी। दोस्तों, जो खेल प्रतियोगिता 4 वर्ष में आयोजित होने वाले हैं, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप, इसके अंतर्गत वही आते हैं। दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दोस्तों, खेल राज्य सूची का विषय होने के कारण खिलाड़ियों को पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। तो ये थी खिलाड़ियों के पेंशन के संबंध में जानकारी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।